नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो 12वीं का एग्जाम खत्म हो चुका है। बच्चों को अब टेंशन है कि उनका आगे का एडमिशन प्रोसीजर कब से स्टार्ट होगा और कैसे होगा। तो आज की वीडियो में मैं बस वही बताने वाला हूँ कि जो 12th के बाद का डिग्री कॉलेज में एडमिशन का प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, सबसे पहले कोई स्कूल में पढ़ता है, जूनियर KG से लेकर 10th तक जिसे हम स्कूल कहते हैं। उसके बाद 11th 12th में जिसे हम जूनियर कॉलेज कहते हैं, 11वीं और 12वीं। और उसके बाद 12वीं के बाद वो BSc करता है या फिर BA करता है या फिर BCom करता है या फिर कोई और डिग्री कोर्स करता है जिसे हम डिग्री कॉलेज कहते हैं, यानी कि वो डिग्री कॉलेज में डिग्री लेता है। तो डिग्री कॉलेज में 12th के बाद एडमिशन कैसे होता है आज हम देखने वाले हैं। देखो, आपको पता होगा जो 12th तक होता है, फर्स्ट से लेकर 12th तक जितनी पढ़ाई होती है वो किसी एक बोर्ड के अंडर आती है। जैसे आप 12th में थे, अभी इस बार 12th में हो तो आपका 12th महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर था, वैसे ही 12th के बाद क्या होता है, जितने भी डिग्री कॉलेजेस होते हैं ना वो किसी बोर्ड नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है, उसके बाद सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी है, उसके बाद अमरावती में यूनिवर्सिटी है, नागपुर में यूनिवर्सिटी है, नांदेड़ में यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में। सो बोर्ड का सिस्टम 12th के बाद खत्म हो जाता है। डिग्री कॉलेज जितने होते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया के, वो उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए मुंबई यूनिवर्सिटी की, तो मुंबई के जितने कोंकण के इलाके हैं, वेस्टर्न इलाके हैं, कोस्ट वाले, वो मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होंगे। उसके बाद आप पुणे देख सकते हो, तो पुणे के आसपास के इलाके जैसे कि पुणे, नासिक, पिंपरी, चिंचवड़, इस नासिक, तो यहाँ के इलाके पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होंगे। सोलापुर में यूनिवर्सिटी होगा, उसके बाद कोल्हापुर में शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी है, उसके बाद परभनी, औरंगाबाद, यानी कि जो मराठवाड़ा का इलाका है, ये नांदेड़ यूनिवर्सिटी या फिर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, इससे एफिलिएटेड होंगे। उसके बाद नागपुर में भी यूनिवर्सिटी है। सो ऐसा होता है सिस्टम यूनिवर्सिटी का, यानी कि किसी एक राज्य में जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि आपका होम यूनिवर्सिटी क्या है, यानी कि मान लो आप वेस्टर्न कोस्ट के इलाके में रहते हो, पालघर, मुंबई, ठाणे, कल्याण, रत्नागिरी, रायगढ़, विरार, वसई, इस इलाके से आपने 12th पास किया है, तो आपका यूनिवर्सिटी होम यूनिवर्सिटी मुंबई यूनिवर्सिटी होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखो जो एडमिशन का प्रोसीजर होता है आफ्टर 12th, जब तक रिजल्ट आता नहीं है ऑनलाइन तब तक चालू नहीं होता है। तो अभी इस ईयर का रिजल्ट आया नहीं है तो एडमिशन प्रोसीजर आफ्टर 12th चालू नहीं हुआ है। तो देखो, रिजल्ट आने के बाद ही एडमिशन प्रोसीजर चालू होता है, और सबसे पहला प्रोसीजर होता है प्री रजिस्ट्रेशन ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी होगा, जैसे आप कल्याण हो गया, मुंबई, ठाणे, वसई, विरार, पालघर, इस इलाके से आपने 12th पास किया है और आप BSc में एडमिशन लेना चाहते हो इसी इलाके में कहीं पर, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, रिजल्ट आने के बाद आपका जो भी यूनिवर्सिटी है यानी कि मुंबई यूनिवर्सिटी है उसके वेबसाइट पर प्री रजिस्ट्रेशन या फिर प्री एडमिशन करना होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट ईयर कैसा था, यहाँ पर ऐसा एक आता है क्लिक हियर फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21-22। तो सबसे पहले आपको प्री एडमिशन करना होता है अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। ये हर जगह पर ऐसा ही होता है, आप पुणे के इलाके में रहते हो तो पुणे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर करना होगा, देन दूसरे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर करना होगा जहां पर आप रहते हो उस एरिया के हिसाब से। तो सबसे पहले आपका काम होता है प्री रजिस्ट्रेशन होना, प्री एडमिशन। तो इसमें क्या क्या करना होता है, इसमें कॉलेज सिलेक्ट करना होता है, देन आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, BSc करना चाहते हो, BSc में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, PCM, PCB, बायोटेक्नोलॉजी, कौन सा कोर्स करना चाहते हो ना, सारी इन्फॉर्मेशन पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। मैं इसके बारे में ना सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जैसे ही प्रोसेस चालू होगा, तो और रिजल्ट लगने के 1-2 दिन बाद ही ये प्रोसेस चालू हो जाने वाला है। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया वेबसाइट पर, देन ऐसा कुछ फॉर्म आता है देखो, और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर होता है, तो आपका एप्लीकेशन नंबर जो भी है फॉर्म फिल करने के बाद उसे डाउनलोड करके रख लेना, PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होता है तो उसे अच्छे से डाउनलोड करना, सेव कर लेना, उस पर एप्लीकेशन नंबर होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले आपने काम कर लिया, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर लिया, प्री एडमिशन कर लिया। दूसरा काम होता है कि जो जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर भरते समय, यूनिवर्सिटी पर एप्लीकेशन भरते समय, जिस भी कोर्स के लिए जो जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है ना उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करना होता है, यानी कि 2 बार, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर और दूसरा उस कॉलेज की वेबसाइट पर। बहुत लोग क्या करते हैं, पिछले साल भी उन्होंने किया था, सिर्फ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही रजिस्ट्रेशन किया था, बाद में उनका मेरिट लिस्ट में नाम आया नहीं, तो इसलिए आप ये गलती मत करो। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करो,
उसके बाद आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट किए हो स्टार्टिंग में, उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर सेपरेटली आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करना होता है, यानी कि दो बार, एक यूनिवर्सिटी में और दूसरा कॉलेज में। तो आपको जो भी कॉलेज है वो अगर ऑनलाइन मोड में होता है तो ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन जाकर करना होता है तो ऑफलाइन में। आजकल तो पूरा ऑनलाइन ही होता है, सब कॉलेज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो दूसरा काम आपका हो गया कि कॉलेज की वेबसाइट पर आपने जाके रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब तीसरा प्रोसेस होता है रिलीज ऑफ मेरिट लिस्ट। तो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भरा, उसके बाद कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर दिया, तो अब निकलता है मेरिट लिस्ट। कुछ दिनों बाद मेरिट लिस्ट निकलता है। तो अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है पर्टिकुलर कोर्स के लिए और आपको वहां पर एडमिशन लेना भी है, तो क्या करना होता है, सिंपली जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है स्टार्टिंग से, यानी कि जब आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन किया तो एक फॉर्म आता है डाउनलोड करने के लिए, उसके बाद कॉलेज वेबसाइट पर जब किया तो एक फॉर्म आता है डाउनलोड करने के लिए, वो सब जितना भी डॉक्यूमेंट है स्टार्टिंग से कॉलेज वाले आपको बताएंगे, फोन करके पूछ लेना कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल, जेरोक्स कॉपी, सब कुछ अच्छे से आपको लेकर जाना होता है उस कॉलेज में फिजिकली मोड में, ठीक है। फिजिकली अब यहाँ जाना है एडमिशन के टाइम, तो फिजिकली जितना भी डॉक्यूमेंट है आपको लेकर जाना होता है, पेमेंट पे करना होता है, फिर आपका वो रिसिप्ट काटेंगे और एडमिशन डन हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो फिर क्या, अगर आपका परसेंटेज कम है और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो कि जब मेरिट लिस्ट वाला एडमिशन खत्म हो जाएगा, मेरिट वाला, तो अगर किसी कॉलेज में जगह बचा होगा तो कॉलेज वाले आपको एडमिशन दे देंगे। और ऐसा तो होता नहीं है, एडमिशन सबको आराम से मिल जाता है। सो ये होता है एडमिशन प्रोसेस। और बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि जैसे कि इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितने भी हैं उसमें एडमिशन के लिए 12th के बाद एक एग्जाम होने वाला है, तो क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा होने वाला है क्या कि मेरा 12th खत्म हुआ है तो मुझे डिग्री कॉलेज बीएससी बीए बीकॉम में एडमिशन के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम देना हो? देखो, इसके चांसेस हैं, क्योंकि जो उदय सामंत जी है हायर एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कुछ महीने पहले कहा था बोर्ड से पहले कि हम एक एग्जाम ले सकते हैं सीईटी नामक, जिसमें मार्क्स के आधार पर आपका डिग्री कॉलेज में बीएससी बीए बीकॉम जैसे कोर्सेज में एडमिशन होगा। बट लास्ट ईयर भी ऐसा कहा गया था, आपने देखा होगा न्यूज़, तो लास्ट ईयर भी ऐसा कहा गया था कि बीएससी बीए बीकॉम जैसे नॉर्मल कोर्सेज में एडमिशन के लिए भी सीईटी नामक एक एग्जाम होगा, बट वैसा हुआ नहीं, तो इस ईयर भी नहीं होगा ऐसा चांसेस हैं। लेकिन कुछ भी हो सकता है, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही कुछ अपडेट आती है एडमिशन के रिगार्डिंग, जितने भी प्रोसीजर होंगी यहाँ पर आपको चैनल पर मिलेगा। और जो अभी सीईटी का रजिस्ट्रेशन चालू है, एमएचटी सीईटी, वो आपके लिए नहीं है, यानी कि जो बीएससी बीए बीकॉम करना चाहते हैं उनके लिए नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए है जो 12th के बाद इंजीनियरिंग, बी फार्मेसी या फिर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं उनके लिए है। अगर 12th के बाद बीएससी बीए बीकॉम जैसे नॉर्मल कोर्सेज में एडमिशन के लिए भी कोई एग्जाम होता है तो उसका एक अलग से वेबसाइट बनेगा जिस पर रजिस्ट्रेशन होगा। अभी फिलहाल तो ये समझ के चलो कि आपका 12th के मार्क्स के बेस पर ही होता है एडमिशन आफ्टर 12th। सो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है आपके मन में, तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो। ऐसे ही वीडियोस के लिए, आगे की प्रोसीजर के लिए चैनल पर बने रहिएगा, आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलेंगी। और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना अपने सवाल पूछने के लिए। थैंक यू गाइस।